Hello everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the major perspective of sociology. So let's start. पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। पर्सपेक्टिव जो है ये हर इंसान का किसी भी फिनोमिना को अपने अंदाज से देखने का एक नज़रिया होता है, यानी कि कोई भी फिनोमिना हो रहा हो तो एक इंसान उसको किस तरह से देख रहा है, उसका जो पर्सनल ओपिनियन होगा, उसका जो नज़रिया होगा उस चीज़ को देखने का, उसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव, यानी कि वो इस फिनोमिना को कैसे परसीव कर रहा है। तो ये हो गया पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। यानी कि जनरल चीज़ को, कोई भी जनरल फिनोमिना है उसको पार्टिकुलर वे में देखना, इसको हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसके अलावा जो स्ट्रेंज यानी कि जो अनजान चीज़ है उसको फैमिलियर वे में देखना, सीइंग द स्ट्रेंज इन अ फैमिलियर इज सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, या स्टडी द जनरल फिनोमिना इन अ पार्टिकुलर वे इज सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये हो गया पर्सपेक्टिव और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। फिर नेक्स्ट सोशियोलॉजी के थ्री मेजर पर्सपेक्टिव हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सेकेंड है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, एंड द थर्ड वन इज इंटर एक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। ये सोशियोलॉजी की तीन मेजर पर्सपेक्टिव है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और इंटर एक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चर वर्ड से शो हो रहा है कि बहुत सारे कोई पार्ट्स हैं जो मिल के एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और फंक्शनलिस्ट यानी कि वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स मिल के एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और फिर वो मिल के एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हर पार्ट का अपना एक फंक्शन है, वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से सोसाइटी स्टेबल है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो डिफरेंट पार्ट्स या स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है, और इसके जो पार्ट्स या स्ट्रक्चर हैं वो मिलके फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और जब वो मिलके फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी और सॉलिडैरिटी को प्रमोट करते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है ये मैक्रो लेवल पे सोसाइटी को स्टडी करता है, और इसका जो मेन फोकस होता है वो सोशल स्ट्रक्चर पे होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट का, ये इमैनुअल डर्खाइम ने पेश किया था। इमैनुअल डर्खाइम, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि जो सोसाइटी है वो बिल्कुल हमारे एक लिविंग बॉडी की तरह है, जैसे हमारी बॉडी डिफरेंट पार्ट्स या ऑर्गन्स पे मुश्तमिल होती है, इसी तरह सोसाइटी भी डिफरेंट स्ट्रक्चर या पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। जैसे हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का मिलके काम करना ज़रूरी होता है, जैसे हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, हैंड्स, आर्म्स, लेग्स, आईज, जिस तरह से ये सब मिलके काम कर रही हैं और हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर स्मूथली रन करता है, इसी तरह सोसाइटी के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। इनमें एजुकेशन, फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब स्ट्रक्चर आ जाते हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी के पार्ट्स या ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, इसी तरह से सोसाइटी में ये स्ट्रक्चर मिलके काम करते हैं, और इसी तरीके से फिर सोसाइटी जो है वो स्मूथली रन करती है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले जो हैं वो सोशल स्ट्रक्चर और सोशल फंक्शन पे फोकस करते हैं। जैसे अब सोशल स्ट्रक्चर हो गया, एक हम ले लेते हैं रिलीजन। अब रिलीजन जो है वो एक अपना एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी में जो कि अपना रोल प्ले कर रहा है।
हमारा जो कल्चर है बेसिकली वो बनता ही रिलीजन की वजह से है। अगर हम किसी भी सोसाइटी में से उसका कल्चर निकाल दें या उसका रिलीजन निकाल दें तो सोसाइटी रन नहीं कर सकेगी। तो रिलीजन जो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है किसी भी सोसाइटी में, उसकी स्मूथली रन करने में, उसकी स्टेबिलिटी में, कि जब तक रिलीजन है उनका कल्चर है। क्योंकि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनका रिलीजन की बेस पे कल्चर बनता है, तो अगर हम इसमें से रिलीजन निकाल देंगे तो वो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। अब रिलीजन का क्या क्या फंक्शन होता है कि वो लोगों को उनकी बाउंड्रीज बताता है, उन्हें बताता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, उनको उनके ड्रेसिंग पैटर्न्स बताता है, उनको उनकी फूड बताता है कि क्या खाना है क्या नहीं, हराम हलाल, जिसे हमारे पाकिस्तानी कल्चर में इस्लाम की बेस पे चीज़ों को हराम और हलाल करार दिया गया है। तो इसी तरह हर रिलीजन में जो है वो कल्चरल बाउंड्रीज़ को एक्सप्लेन करने में रिलीजन बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह अगर हम ले लें एजुकेशन, एजुकेशन एक सोशल स्ट्रक्चर है, उसका काम क्या है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना या नॉलेज प्रोवाइड करना, इसके अलावा सोशलाइजेशन करना, नॉलेज और सोशलाइजेशन। तो इस तरह डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर है उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन ये सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। जितने भी सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट। एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी सोसाइटी के जो जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको रन करने के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार उनका होना ज़रूरी होता है, तभी सोसाइटी स्मूथली रन कर सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स। फर्स्ट एग्जांपल हम अपने घर से ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ क्या होता है कि मेल का काम क्या होता है कि वो बाहर निकलता है, अर्निंग करता है और फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, जबकि फीमेल का क्या काम होता है कि वो घर में रह के घर के काम करती हैं और बच्चों की सोशलाइजेशन अच्छे से करती हैं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले क्या कहते हैं कि अगर वो हर बंदा अपना काम सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो उनका जो एक सिस्टम है वो स्मूथली रन करेगा। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी कि हर बंदा जो है वो अपना काम सही तरीके से परफॉर्म करे और वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, उनका सिस्टम स्मूथली रन करा, स्टेबिलिटी और सॉलिडेरिटी एग्जिस्ट करती हो। फिर हमने बात की थी कि सोसाइटी के जितने भी स्ट्रक्चर या पार्ट्स हैं वो सारे इंटरडिपेंडेंट है, यानी सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट। इसमें हम अगर एग्जांपल ले लें फार्मर की, फार्मर जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, टीचर की और डॉक्टर की, डॉक्टर मेडिकल से रिलेटेड, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड और ये इकोनॉमी से रिलेटेड। फार्मर जो है अगर फॉर एग्जांपल ये सारे फार्मर्स कह दें कि हमने अपना काम छोड़ देना है, हम आगे से ये नहीं करेंगे, फूड प्रोडक्शन ये जो है ये फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो ये तो अगर ये अपना काम करने से इनकार कर देंगे तो मुल्क की इकॉनमी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। इसी तरह फार्मर टीचर्स पे क्यों डिपेंड कर रहे होते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए फार्मर जो है वो टीचर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और अपने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल के लिहाज से वो डॉक्टर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, डॉक्टर जो है वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए टीचर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो यानी कि ये सारे पार्ट्स जो हैं ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो जब तक ये सारे मिलके काम नहीं करेंगे तो सोसाइटी स्मूथली रन नहीं कर सकेगी। इसकी अगर हम एक और एग्जांपल लें रोड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की, तो फॉर एग्जांपल के ये है रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए, ट्रांसपोर्ट वाले जो है वो स्ट्राइक कर दें, तो कितने और स्ट्रक्चर सोसाइटी के उन्हें नुकसान होगा या वो अफेक्टेड होंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले तो वो अपने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी नहीं जा सकेंगे ट्रांसपोर्ट के बंद होने की वजह से या स्ट्राइक होने की वजह से, रोड बंद होने की वजह से। इसके अलावा जो होंगे ऑफिसेज जाने वाले वो नहीं जा सकेंगे, और यानी कि जितने भी लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ करके अपने अपने काम के लिए जाते हैं तो उन सबका जो है वो सब के सब अफेक्ट होंगे, पुलिस, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट्स, ऑफिसेज। तो हर जो है एक में अगर स्टेबिलिटी ना रहे, एक पार्ट जो है वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म ना कर सके, तो बाकी पार्ट्स भी उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं या वो भी असरअंदाज होते हैं। फंक्शनलिज्म की अगर हम एक और एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पे टीचर्स जो हैं वो अपनी क्लासेस ले रहे हैं, बस ड्राइवर अपना काम कर रहे हैं, माली लॉन की सफाई कर रहा है, कैंटीन वाला जो है वो कैंटीन रन कर रहा है, और डायरेक्टर जो हैं वो
राउंड ले रहे हैं, यानी हर बंदा अपना अपना काम सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो वो जो सिस्टम होगा वो स्मूथली रन करेगा। तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव आ जाएगा कि हर बंदा अपना अपना काम सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी और सॉलिडैरिटी होगी। आज के लेक्चर की अगर हम समरी देखें तो उसमें ये बताया गया है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव वाले किस तरह से सोसाइटी को देखते हैं। उनका कहना ये होता है कि सोसाइटी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना है। जब तक वो पार्ट्स अपना अपना काम सही तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे तो सोसाइटी स्मूथली रन करती रहेगी। सोसाइटी में स्टेबिलिटी और सॉलिडैरिटी के लिए ज़रूरी है कि हर पार्ट जो है वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म करे। इमाल्टर खाइम ने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था। उसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला था कि ये जो है हमारे लिविंग बॉडी की तरह है, डिफरेंट पार्ट्स से मिलके बनी हुई है। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स सही तरीके से अपना अपना काम परफॉर्म करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो काम परफॉर्म करेगी। तो इसी तरह सोसाइटी भी हमारी बॉडी की तरह ही है, अगर एक भी पार्ट अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता तो बाकी पार्ट्स भी उसकी वजह से असरअंदाज होते हैं। जितने भी पार्ट्स हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पर इनसार होता है इनका, और मैक्रो लेवल पे ये सोसाइटी को स्टडी करते हैं। मेन फोकस इनका होता है सोशल स्ट्रक्चर और सोशल फंक्शन। सोशल स्ट्रक्चर के ये स्ट्रक्चर किस तरह से मिलके बनते हैं और वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनका सोसाइटी में क्या रोल है, यानी कि हर पार्ट का कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। हर पार्ट का अपना एक फंक्शन होगा, वो परफॉर्म करेंगे तो सोसाइटी स्मूथली रन करेगी। ये सोसाइटी पर बेसिकली इसका जो फोकस होता है ना, ये सोशल चेंज नहीं है, सोशल स्टेबिलिटी है। ये चेंज को ज़्यादा फोकस नहीं करता, ये सोसाइटी की स्टेबिलिटी पर फोकस करता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप लोगों को इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। So do like, comment and share this video. Thank you so much.